मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता पर्ची के तहत सभी को राशन मुफ्त में देने की बात कही गई, किंतु बड़ी संख्या में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। यह बात इंदौर की कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के हिमांशु यादव ने शनिवार को इंदौर में कही। जिन लोगों को कोरोना संकट में पात्रता पर्ची के तहत 3 माह का राशन नहीं मिला है, उन्हें राशन दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने अपनी टीम के साथ मोर्चा खोल दिया। यादव ने पैम्पलेट छपाए जिसकी विवेचना कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल द्वारा किया गया। पर्चे में लिखा है कि जिन लोगों को राशन योजना के तहत राशन नहीं मिला है, उन्हें कांग्रेस के लोग सरकार से राशन दिलवाएंगे। पर्चे में कांग्रेस नेता हिमांशु यादव सहित अनेक साथियों के साथ नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। दीदी बताइए, हिमांशु यादव जी, संदीप ओझा जी और सांतिलाल जी सैनी द्वारा राशन घोटाले को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की सराहना करते हैं इस काम की? देखिए, भाजपा जो भी बोलती है जोर से बोलती है, झूठ बोलती है। कोरोना काल में उन्होंने इसी तरह का हरकत की, जिस कारण आज का ही लोग हमारे बीच में जो थे वो आज नहीं है। और उन्हीं की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस की तरफ से हिमांशु यादव और उनकी पूरी टीम पूरे 85 वार्डों में जा रही है और उनको बता रही है कि किसी को राशन की पर्ची का बोला गया पात्रता पर्ची मिलेगी, परंतु वो भाजपा वाले ये कह रहे हैं जो उनके उनके समर्थक हैं, उनके सहायक हैं, उनके मददगार हैं, उन्हीं लोग को पर्ची बांट रहे हैं। और अभी तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको पात्रता पर्ची भी नहीं मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, परंतु वाह भाई बहुत भाजपा अपने आप लूट रही है कि हम पर्ची भी बांट रहे हैं। कोई यदि कोरोना के कारण किसी परिवार का सदस्य चला गया तो उसको 1 लाख रुपये की धनराशि भी दी जाएगी, परंतु कहीं पर जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती है। और आज खुद वहाँ पर सम्मान कराने के लिए और आभार व्यक्त करने आ रहे हैं, काम कुछ करानी है इंदौर शहर में, शिवराज सिंह चौहान आए। हम उन सबकी निंदा करते हैं कि आज आके अभय प्रशाल में क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आप धन्यवाद दे रहे हैं तो जनता को, आप रोजी टीवी पे आते हैं, विज्ञापन बड़े बड़े छपाते हैं, पैसे हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसी से धन्यवाद कर देते हैं कि वो जनता को इकट्ठे कर। मैं रात को देखने गई थी अभय प्रशाल, वहाँ 400 कुर्सियाँ तो साथ में लगी थी, तो 400 आदमियों को आप इकट्ठा कर रहे हो और यहाँ आप बोल रहे हैं कि भीड़ मत इकट्ठे करो, 2 गज की दूरी रखो और करना कहीं कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट अभी तक बन के चालू हो जाने थे तो आज आप शिलान्यास करने आ रहे हैं, पैसा पहले ही ले लिया, कोविड सेंटर राधास्वामी के नाम से कई करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए। मैं हिमांशु यादव, संदीप ओझा और शांतिलाल सैनी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। वो आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी की आवाज़ को जनता तक पहुँचा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, वैक्सीन नहीं है और सही में नहीं है। आज कई लोग सेंटरों पर देखो, लोगों की लाइन लंबी लगी है और लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। राशन मांगने जा रहे हैं लोग तो राशन नहीं मिल रहा है, लात घूंसे उनको पड़ रहे हैं और कमजोर वर्ग जो है वो बेसहारा हो गया, बेरोजगार हो गया है। मैं हिमांशु यादव उनको धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से बोलती हूँ उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस कार्य को मूर्त रूप दे पाएँ और जनता को उनका हक दिलवा पाएँ। जिस तरह से शादी में 50 लोगों की परमिशन दी गई है और भारतीय जनता पार्टी आज 400-500 लोगों के प्रोग्राम कर रही है। देखिए, यदि ऐसा करना, यदि उनको कोरोना से सही में जनता से प्यार होता तो आज बंगाल चुनाव नहीं होते, आज दमोह चुनाव नहीं होते। दमोह चुनाव में हमने ब्रजेंद्र सिंह राठौर को, कलावती भूरिया को और मांडवी चौहान को खो दिया, ऐसे भाजपा के भी कई लोग गए। तो चुनाव ऐसे कार्यकाल में कराया गया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो भीड़ अपने भाषण के लिए इकट्ठा करते हैं, वोट के लिए करते हैं, परंतु दमोह चुनाव ने उन्हें करारा जवाब दिया, बंगाल चुनाव ने करारा जवाब दिया। सब जगह जब हाहाकार मचा हुआ तो सारे नेता, पूरे भारतवर्ष के नेता का बंगाल में दीदी दीदी कर रहे थे और अच्छा दीदी दीदी कर रहे, दीदी आ गई और दादाजी घर वापस आ गए। तो मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा को अब दोगली नीति नहीं अपनानी चाहिए, कथनी और कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो करें, क्योंकि अब जनता जवाब देगी और आने वाले समय में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी और जनता अब समझ चुकी है कि कौन जमीन पर चलता है और कौन हवा में उड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।